नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफी बच्चों का जब से कल से एएसआई का रिजल्ट आया है तो इसमें सबका यही कह रहा है, सर मेरा रिजल्ट में नाम नहीं है। देखो, रिजल्ट जो आया है वो आपका सिर्फ कॉन्फिडेंशियल के लिए आया है, इन द सेंस जो बच्चों ने अपने फॉर्म में कहीं भी प्रेफरेंस डाली हो, चाहे वो पहली प्रेफरेंस हो, चाहे आपकी दूसरी हो, तीसरी हो या लास्ट की प्रेफरेंस हो, अगर आपने एसआई कॉन्फिडेंशियल प्रेफरेंस में डाला है तो वो बच्चों के लिस्ट में नाम है। उन्होंने टाइपिंग जो दिया है उनको शॉर्ट हैंड के लिए, स्टेनो के लिए बुलाने जाने के लिए नाम आया है इस लिस्ट में। हाँ, कुछ बच्चे परेशान जो ये हैं कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, जैसे उन्होंने अगर आपने आप एसआई कॉन्फिडेंशियल प्रेफरेंस में नहीं फिल किया तो आपका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके किसी भी प्रेफरेंस में कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो ये फाइनल रिजल्ट नहीं है टाइपिंग का, इसमें उनका नाम नहीं होगा जिन्होंने प्रेफरेंस नहीं डाला है। ठीक है, जिन्होंने प्रेफरेंस डाला है ये उन्हीं की लिस्ट है, तो जिन्होंने नहीं डाला उनका रिजल्ट कब आएगा? तो उनके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो उसके रिजल्ट में ये कह सकता हूं कि मुझे लग रहा है कि 23 या 24 को ये जब हो जाएगा आपका स्टेनो, तो स्टेनो होने के बाद विद इन वन वीक में हमें लग रहा है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक ऐसा मेरा अनुमान है कि फाइनल रिजल्ट विद इन वन वीक में, स्टेनो होने के वन वीक बाद या मैक्सिमम भी जाएगा तो 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट इन स्टेनो वालों के साथ भी और जो आपके मिनिस्ट्रियल वाले और अकाउंटेंट वाले बच्चे हैं, अकाउंटेंट वाले भी काफी बच्चे परेशान है, उन्होंने अकाउंटेंट वाले ही एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पोस्ट के अलावा शायद ही कोई डाला होगा मिनिस्ट्रियल डाला होगा लेकिन कॉन्फिडेंशियल नहीं डाला होगा, तो इसलिए वो घबराए नहीं, उनका रिजल्ट आएगा बाद में आएगा। समझ गए मेरी बात को? तो और जो बच्चे टाइपिंग दिए थे और उनको कोई समस्या हुई थी, सपोज करो कि आपका बार बार सिस्टम हैंग होना, बंद होना, और आपने कॉन्फिडेंशियल एज ए प्रेफरेंस डाला है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कॉन्फिडेंशियल एज ए प्रेफरेंस डाला है और आपका लिस्ट में नाम नहीं है और आप टाइपिंग किए, टाइपिंग में आपका एक या दो लाइन बच गया हो, उसके बाद नाम नहीं है, तो एक बार कमेंट करके बताना कि क्या आपकी प्रॉब्लम सुनी गई है कि मेरे साथ ये समस्या हुई थी इसलिए मेरा टाइपिंग बेकार हो गया, या नहीं सुनी गई है जो आप लोग एप्लीकेशन दिए थे, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले, फिर हम कुछ उस पर निष्कर्ष या जो भी होगा हम आपसे बात कर सकते हैं, चाहे जो भी हो तभी हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हमें अभी तक कुछ पता नहीं है कि कैसा क्या हुआ, जो भी आप लोग अपने एरर से रिलेटेड जो भी समस्याएं आई थी टाइपिंग में वो दिए थे, तो क्या सॉर्ट आउट सबको कर दिया गया है या नहीं उस हिसाब से। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए कि आपकी जो टाइपिंग रिजल्ट है वो बाद में आएगा जितने मिनिस्ट्रियल वाले हैं। हाँ, एक समस्या ये है सबसे बड़ी कि सबने प्रेफरेंस डाला था, अब लिस्ट में नाम सबका आ गया है, अब बोल रहे हैं कि सर मैं स्टेनो देने जाऊं कि ना जाऊं, मुझे स्टेनो नहीं आती, मैक्सिमम कॉल मेरे पास यही आई। तो मेरा ये कहना है आप सभी से बच्चों कि देखो, जब लिस्ट में नाम आया है तो एक बार यही सोचो कि चलो लखनऊ घूम आते हैं, ठीक है, आ जाओ, प्रेजेंस अपनी दिखा दो, फेल होना ही है तो यहां फेल हो जाओ, एब्सेंट क्यों हो रहे हो, एक दिन की बात है आपका, एक दिन ही पड़ेगा किसी दिन, अगर आप नहीं आते हो तो आप डायरेक्ट एब्सेंट हो गए, और वो एब्सेंट होने के बाद जब लिस्ट आएगी फाइनल, फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जैसे फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट में हुआ था, देखे थे, ठीक है, जो एक अकाउंटेंट में लिस्ट में नाम आया था पहले लिस्ट में और मेरिट जब डाउन हुई तो सेकेंड लिस्ट में नाम ही नहीं आया उन सबका, क्योंकि वो वहां एब्सेंट हो गए थे। मेरी बात समझ रहे हो? इस वजह से मैं चाहता हूं कि आगे और दौड़ भाग ना करनी पड़े, जो डेट मिली आपको स्टेनो आती है या नहीं आती है, लिस्ट में नाम आ गया है तो आ जाओ, फेल ही हो गए और क्या हो गए, लेकिन प्रेफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, आने से कतराओ मत, नहीं तो फिर आगे भर्ती बोर्ड दौड़ना पड़ेगा, फिर हो सकता है कोई साथ ना मिले, किसी का साथ ना मिले, कोई आपके साथ ना जाए, कोई एप्लीकेशन देने ना जाए, तो फिर और समस्या बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ गए? तो भैया जब लिस्ट में नाम आया है तो कम से कम घूमने बहाने ही चले आओ, नहीं स्टेनो आती है, और जिसको आती है प्रैक्टिस लिंक एक्टिवेट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जैसा दिया गया समझ लो वैसे ही मैटर आपको मिलेगा, कोई भी टफनेस नहीं होगी, और जोरदार दो दिन दो तीन दिन जो मिला है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करो और सिलेक्शन लो। फाइनल रिजल्ट आने का हमें भी बहुत बेसब्री से इंतजार है, आप सभी का भी है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्टेनो वालों के लिए, ठीक है। और जो मिनिस्ट्रियल में टाइपिंग भाई क्वालिफाई होंगे उनका भी जो आएगा उन सभी को भी आगे शुभकामनाएं, सभी लोग कड़ी मेहनत की और इस स्टेज तक पहुंचे। अगर कोई समस्या है तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं के साथ हम खड़े रहें, उसका समाधान खोजा जाए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।